काटते रहा जिसका नाम है धरती से सागर तक। इस पार्ट में बच्चा आपकी तरह एक प्यारा सा बच्चा होता है, इसका नाम होता है अंशु। वह हर संडे अपने दादाजी के साथ जाता था समुद्र के किनारे खेलने के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता था। इस संडे भी वह अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे गया था और वहां पर बहुत सारी शंख और सीपियां एकत्रित इकट्ठा करता है। तभी शाम हो जाती है, दादाजी बोलते हैं अंशु अब घर को चलते हैं, पर अंशु का मन नहीं होता, पर अनमना होकर वह गाड़ी में बैठ जाता है। तभी दादाजी बोलते हैं अंशु यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता तो क्या करते। अंशु बोलता है कि मैं तो फिर दिन भर वहीं खेलता रहता है। इसी पर अपना सवाल भी अंशु दादाजी से पूछ लेता है, दादाजी यदि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र होता तो क्या होता। दादाजी कहते तब तो ना हम होते ना तुम होते। पर अंशु को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। दादाजी कहते हैं अंशु जीवन के लिए पांच तत्व का होना बहुत ही जरूरी होता है। वह पांच तत्व होते हैं वायु अग्नि जल आकाश और पृथ्वी। इनमें से यदि एक भी तत्व की कमी होती है तो जीवन संभव नहीं होता। परंतु अंशु की समझ में कुछ नहीं आता है। तभी दादाजी समझ जाते हैं और वह अंशु से कहते हैं कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। अंशु बताते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मंगल अरुण यानी कि यूरेनस वरुण जिसे हम नेपच्यून भी बोलते हैं और पृथ्वी। ये 8 ग्रह टोटल हमारे होते हैं। इनमें से बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सूर्य के बहुत ही पास में है, तो उस पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वे बहुत गर्म है। और इसके अलावा वरुण बहुत दूर है, उस पर भी जीवन संभव नहीं है। इसी तरह बच्चों इनमें से ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जीने के लिए जो पांच तत्व बहुत जरूरी होते हैं उनमें इनमें से किसी पर भी एक पृथ्वी को छोड़कर वो पांचों तत्व नहीं पाए जाते। एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर ये पांचों तत्व है और वहां पर जीवन संभव होता है। इसी तरह दादाजी अंशु और दादाजी बातें करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी माँ को अंशु बताता है कि दादाजी मेरे मुझको धरती के विषय में बताते हैं बता रहे थे। माँ बोलती है कि सिर्फ धरती के विषय में, आकाश और उससे ऊपर नहीं। तभी अंशु कहता है कि नहीं, पर तभी माँ बोलती है कि धरती और आकाश के बीच में एक वायुमंडल होता है जिसमें एक ओजोन परत उसी तरह फैली हुई है जैसे कि एक पलंग पर कंबल फैला हुआ है। और ये ओजोन परत ही हमारी मतलब हमारे जीवन की सभी प्राणियों की सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। परंतु प्रदूषण के कारण अब ये ओजोन परत में छेद हो रहा है और जो कि हमारे हर प्रत्येक प्राणियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए बच्चों हमको प्रदूषण नहीं करना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए। इसके आगे बढ़ते बढ़ते माँ कहती है कि आज बहुत गर्मी है। तभी अंशु सवाल करता है कि मुझे ये गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं, काश ये मौसम नहीं आता। दादाजी बोलते हैं कि ये तो असंभव है अंशु, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है जिससे मौसम बदलते हैं और किसी और कहीं ये मौसम हमारे तीन चीजों पर निर्भर करता है। वो है हमारे सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, समुद्र से दूरी और समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई। इन तीन बातों पर हमारा किसी भी जगह का मौसम निर्भर करता है, इसलिए मौसम का बदलना तो बहुत जरूरी होता है। तभी अंशु दादाजी से कहता है कि दादाजी बादल कैसे बनते हैं। अंशु दादाजी कहते कभी तुमने अपनी मम्मा को चाय बनाते हुए देखा है, चाय में से भाप निकलती है। पर अंशु की समझ में नहीं आता, तो दादाजी समझाते हैं कि हमारे जो सागर है जो भी जितनी भी नदियां समुद्र जो होते हैं वहां से सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और वहां पर ये भाप ठंडी होकर बादल में बदल जाती है और जो कि वर्षा के रूप में जमीन पर आकर गिरती है। इसी तरह ये चक्र चलता रहता है।
तभी पापा जी आ जाते हैं और पापा जी अंशु से कहते हैं कि बहुत हो गया, दादाजी को बहुत परेशान कर दिया, अब जाइए सोइए और अगले मंथ हम अंडमान निकोबार घूमने चलेंगे। अंशु खुश हो जाता है और अब सपनों में खो जाता है अंडमान निकोबार के। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये पाठ, आप अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी जानिए। बाय।